पूर्वी चंपारण जिले में करीब एक दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में भीषण डकैती डाली। घटना चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा गांव की है। यहां एक किराना व्यवसायी हीरालाल चौधरी का परिवार जय गांव से अपनी बेटी की शादी संपन्न कराकर लौटा था। इसी दौरान देर रात डकैत घर में घुस आए। हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने घंटों लूटपाट की। इस दौरान शादी में शिरकत करने आए परिवार के अन्य सदस्य भी डकैती का शिकार बन गए। पीड़ितों के मुताबिक डकैत करीब 20 लाख के जेवरात और 3 लाख नकद समेत कई सामान लूट कर ले गए। भागने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर अपराधियों के जल्द गिरफ्त में आने की बात कही है। शाम को चले 4 तारीख घटना हुआ कि हम लोग 11:20 और मैं आया वहाँ एगो लड़का का मारा चमार के लेकर हुआ और मारा वो का किया कि हम जगले थे और उठे तो कहे और वहाँ के 10 आदमी दौड़ा हुआ 8-10 आदमी और सावल लेके मेरा का किया मेन दरवाजा तोड़ा और तुरते हमको का किया कि यहाँ मारा था ले बेटी के हमारा मारा था ले कहा मेरा बेटी पापा के छोड़ दिया हमारा पापा नहीं अथी करेंगे पूरा सामान हम अपना बहन के शादी करके आए हम कहेगा अपना बेटी के कहेगा हम गंगन बतलाए तो वो नहीं हाथ में अंगूठी था वो ले लिया अथी हलमानी था वो ले लिया सब हमारा फैमिली का ये कौन कौन चीज लूट के ले गया है यहाँ से जी कौन कौन चीज लूट के ले गया है पूरा सोना के सामान साली था बेटी आया है बहन दो साली आया एगो बेटी था मेरा बेटी का परिवार का हमारा सब लोग तो ले ही गया कैश पौने 3 लाख रुपया था देने उने के लिए हाँ न्योता उल्टा में पड़ा था और लोग दिया था कि हम दुकान करते हैं तो हम कहे भैया हमारा शादी बा हमको जाए के दिन ले हमको रुपया मिला हम कहे कि समय नहीं मिला कि हम बैंक में जमा करें। मन में SDPO चकिया के नेतृत्व में एक SIP का गठन किया गया और हम लोगों को कुछ लीड मिला और इस प्रकार की घटना बहुत दिनों बाद हुई है तो इसलिए हम लोगों के लिए चुनौती है इसको जल्दी हम लोग डिटेक्ट करेंगे और जो भी इसमें अपराध कर्मी शामिल हैं उसको जल्दी हम लोग गिरफ्तार